हेलो दोस्तों, देखो रेगिस्तान, चारों तरफ रेगिस्तान आप देख सकते हैं। प्रदेश में ये दुबई और सऊदी अरबिया में दूर दूर तक रमल का ही पहाड़ होता है, आप लोगों ने देखा होगा। और 100 100 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर तक किधर पेट्रोल पंप भी नहीं मिलता, और सीधा ज्यादातर सीधा ही रास्ता होता है। अभी इधर तो सूरज दिख रहा है, ये देखो पहाड़ चांदी जैसा और सोने जैसा रमल होता है, इतना खूबसूरत ये रमल रेत होता है। हम कभी उसके ऊपर मोटरसाइकिल जो गाड़ी मोटरसाइकिल लेके आएंगे उस टाइम वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी ये रास्ते से हम जा रहे हैं। कितना लंबा रास्ता है और ये पहाड़ भी है सामने, तो थोड़ा मेरे साथ देखो आप उधर मोटरसाइकिल चला रहे। अभी आगे थोड़ा खतरनाक रास्ता है, बाकी इधर ज्यादातर सीधा रास्ता है, लेकिन अभी थोड़ा पहाड़ी पहाड़ी आएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यहाँ टोल टैक्स किधर भी नहीं होता है, जो टोल टैक्स होता है इंडिया में वगैरह दूसरी कंट्रियों में वैसे टोल टैक्स नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो चेकपोस्ट होता है, लेकिन ये रास्ते पे शायद चेकपोस्ट भी नहीं आ रहा। और ऊपर गाड़ी चढ़ाई ना, देख कैसे चढ़ाई, ये पहाड़ के ऊपर है भाई एक गाड़ी वाला। तो वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन मज़ा आएगा, आप लास्ट तक देखना। ये काटा हुआ है ये पहाड़, देखो काट के रास्ता बनाया, बहुत ही मजे वाला रास्ता है। इधर देखो ये पत्थर है, वाइट पत्थर है, ये एक ही पत्थर है बड़ा, लेकिन उसको काट दिया पहाड़ को और काट के बनाया है। तो हम जा रहे हैं आगे, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं इंडियन, उसका हम इंटरव्यू करेगा। देखो यहाँ पे ट्रेला का एक्सीडेंट हुआ है, देख सकते हैं कैसा एक्सीडेंट हो गया। दूसरी गाड़ी चली गई, वो चली थी। एक चली गई, उधर से ही लेना था यार। देखो कितना डेंजर हो गया, ये देखो ट्रेला है, ये मान का ट्रेला है, मान है वोल्वो है, वोल्वो मर्सिडीज है, मर्सिडीज है, मर्सिडीज का लोगो भी लटक रहा है। जाओ जाओ, तो यहाँ पे कितनी तेजी से ठोका होगा पता नहीं, इसमें ड्राइवर का क्या हो गया। देखो ये पूरा टांकी, इस तरह से एक्सीडेंट भी होता है इधर। इधर अभी देखो साइड से कोई चीज़ तो नहीं आ रही, नहीं आ रहा, जाओ। देखो ये पहाड़, ये पहाड़ी एरिया में है हम लोग। आपके लिए हम लोग वीडियो बनाने के चक्कर में मैं और घूमने के दोनों साथ में होता है। बहुत ऊपर है ये, नीचे बहुत पहाड़ है, इधर हम लोग ऊपर के रास्ते से जा रहे हैं। देखो इधर पहाड़ी पहाड़ है, ऐसा भी रास्ता है इधर। अभी कितना दूर है, टायर फाड़ के गए बच्चे लोग। इसमें 200 की स्पीड तक, 120 220 तक जाएगी गाड़ी, मुश्किल नहीं है। लगभग 250 किलोमीटर तक हमको जाना है, 250 या 300। वहाँ पे लेला, जो लेला मजनू हो गए है ना, उस जगह पे हम जाने की कोशिश करेंगे। आगे कंपनियों में पहले इंटरव्यू लेंगे, कुछ थोड़ा टाइम निकालेंगे, और उसके बाद जहाँ लैला मजनून की कहानी, जो लव करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत, वो लोग लैला मजनून की कहानी जानते होंगे, तो उसकी घर भी दिखाने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो आप हमारे साथ बने रहना, क्योंकि ये पहाड़ों के बीचों बीच से जाता है, बहुत दूर तक कोई भी रास्ते में नहीं मिलता पेट्रोल पंप होटल। तो हम लोग आपके लिए जा रहे हैं, आपके प्यार की खातिर।
जो आपने कभी प्यार किया होगा तो बने रहना, क्योंकि लैला मजनू की कहानी अमर कहानी है। वो जो लैला थी वो यहाँ पुराने जो शेख खोले थी उसकी लड़की थी, और मजनून था वो शेख था यमनी, वो उसका नाम था हाँ तो उसका नाम केस था यमनी, जो इधर काम करने आया था। वो इधर ही ऊँटों में ऊँटों चराता था, काम करता था, और उसी लड़की से उससे प्यार हो गया। उसके बाद की कहानी तो आपको मालूम है, तो ये जगह दिखाने की कोशिश करेंगे उसका घर, लेकिन ये वीडियो में शायद लंबा हो जाएगा, इसलिए हम दूसरा वीडियो पार्ट टू में दिखाएंगे। ये जो टायर का इसमें नक्शा हो गया रोड पे, जुम्मे के दिन इतने टायर गाड़ी, छोटा गाड़ी, लग्जरी कार को सऊदी के बच्चे इस तरह से इसमें स्टर्न करते हैं ना, रेस लगाते हैं ना, तो बहुत से टायर फाड़ देते हैं। देखो उसका ये इधर ही गाड़ियाँ, सारा रोड पे नक्शा हो गया है, वो टायर का ही है। वो भी हम कभी दिखाएंगे, आएंगे उस टाइम, लेकिन देखते हैं उस टाइम। इधर बहुत खतरा होता है, आम आदमी कोई गाड़ी लेके आने में डरता है उस दिन, क्योंकि 500 गाड़ियाँ इस तरह से चलाते हैं, ये पूरा रोड में इस तरह से वो करते हैं। देखो आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया आया, उधर हम उतारेंगे थोड़ा वीडियो। ये किधर जा रहा है? ये फिलहाल मराई पे जाता है। क्या बात है? लंबा हो गया बहुत वीडियो, ले चालू है, ये तो काटना पड़ेगा, अभी तो चालू हो गया। बहुत दूर तक हम आए, और अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे लोग काम करते हैं। देखो ये कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी होती है, बहुत बड़ी बड़ी जगह पे, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक इतना नहीं होता है। बहुत ही दूर रेगिस्तान में कंपनियां बसी हुई है, अभी यहाँ पे बहुत ही बिजनेस हो रहा है सऊदीया में। ऐसा हर सिटी के बाहर बड़े बड़े विले बनाए गए हैं फैक्ट्रियों के लिए, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तो